नए साल को लेकर लोगों में खूब जोश देखा गया। लोगों ने नए साल के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष 2019 की विदाई व नए साल का स्वागत नॉर्थन बॉयज क्लब झाकड़ी ने अपने ही अंदाज में किया। नॉर्थन बॉयज ने खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसका मकसद इस शुभ अवसर पर युवाओं और आम लोगों को सकारात्मक संदेश देना था। लोगों ने पारंपरिक नृत्य के साथ इस मौके पर आने वाले नए साल की एक दूसरे को बधाई दी। जी, इस टूर्नामेंट करवाने का उद्देश्य ये रहा कि हमारी जो अधिकतर युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर जा रही है। हमारा हमने इसलिए करवाया खेल ताकि वो पीढ़ी नशा छोड़ के खेलों को अपनाए। हमने इसमें महिलाओं को भी जोड़ा ताकि वो घरों से बाहर आ सके और थोड़ा सा समाज में अपना नाम बना सके। क्योंकि आज जो हमारा नौजवान है नशों की तरफ जा रहा है, तरह तरह के नशे यहाँ पर आए ताकि नशों से दूर जाएं, खेल पे ध्यान दें और स्वस्थ उनका वो मस्तिष्क रहे, अच्छी एक्टिविटीज़ वो करें, इसके लिए हमने खेलों का आयोजन किया। महिलाओं को भी हमने, जो महिलाएं हमारी किचन में रहती हैं उनको भी, महिलाओं को भी घर से बाहर निकाला, उनके लिए भी रस्सा कसी, म्यूजिकल चेयर, म्यूजिकल बॉल का आयोजन किया ताकि हमारी महिलाएं जो घरों में रहती हैं वो भी बाहर आएँ और इस सभ्य समाज का हिस्सा बन सके, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार की अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई गई। तो क्लब का एकमात्र उद्देश्य है कि हम जो है नौजवानों को अच्छी राह पर ले जाएँ, एक अच्छा जो भविष्य देश का बनाएँ, इसलिए जो शादी उसे का आयोजन किया गया। जी, धन्यवाद। वहीं विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में नववर्ष के पहले दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ की पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की तरफ से सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को दर्शनों में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। क्योंकि नव वर्ष पे हम उम्मीद करते हैं कि जो श्रद्धालुओं का आना है वो बढ़ जाता है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 20 पुलिस वाले जो है वो एक्स्ट्रा एंगेज किए हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारा रूटीन वाला स्टाफ है उसको भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो अपने पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे अपनी सेवाएं दें। इसके अलावा मैं सभी श्रद्धालुओं को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और माता रानी से ये विनती करता हूँ कि सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि नव वर्ष में वे करीब 21 सालों से हर वर्ष ज्वाला माँ के दर्शन करने ज्वालामुखी मंदिर पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि ज्वाला माँ उनकी हर मुराद पूरी करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ज्वाला माँ, हम दोनों, मैं और संदीप भैया जी, हम जम्मू से आए हैं। हम ज्वाला माँ के यहाँ दर्शन करने आए हैं। हम हर साल इसी तरह माँ जी के दर्शन करने आते हैं और माँ जी से मन की मुरादें पूरी करके लेके जाते हैं। हमें यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, माँ के मंदिर में आके हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। साल का पहला दिन है, माँ सबको अपनी मुरादें माँ पूरी करे, माँ सबको यहाँ बार बार बुलाए और सबको यहाँ दर्शन दे। जय माता दी, जय ज्वाला। हम चंडीगढ़ से, पंचकूला से, कई सारे साल के हर जो होता है कि साल अब यहीं से शुरू करेंगे। दर्शन करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। आगे बच्चे भी आते हैं इस बार, बच्चे बाहर तो नहीं आ सके। हमारी माता जी भी साथ में आती है, पिछले 25 साल से हम माता के दर्शन करने आते हैं। मैं साल के पहले दिन ज्वालामुखी के दर्शन करने आई हूँ और मैं यही भी प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। उधर नए साल के जश्न पर मिनी इजराइल कसौल में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों ने जमकर जश्न मनाया। कुल्लू घाटी में विभिन्न जगह पर पर्यटक लाइव म्यूजिक और डीजे की धुन पर खूब थिरके। यहां लोगों ने नए साल का स्वागत हंसी खुशी किया और आतिशबाजी कर पुराने साल को अलविदा कहा। फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पार्टीज हो रही है यहाँ पे, हम लोग घूम रहे हैं, बहुत अच्छा क्राउड है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है, रियली इन्जॉइंग। लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, घूम रहे हैं और लाइक दे आर इन्जॉइंग वेरी मच। बहुत आनंद आ रहा है और यहाँ पे आके क्राउड बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग पार्टी का माहौल बन रहा है। मतलब मुझे ये लगता है कि लोगों को अगर न्यू ईयर बनाना है तो कसौल आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।